नमस्ते दोस्तों, हमारे पास एक क्लासिक आई है BS4 मॉडल। तो इसके जो रियर ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक के अंदर है दोस्तों, और आप देख सकते हैं तो इसका ब्रेक पेडल है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। इस भाई ने कहीं पंचर लगवाया था, पंचर लगवाने के बाद उस भाई ने क्या किया पंचर वाले ने, तो दोस्तों इस भाई ने क्या किया पंचर वाले ने कि इस नट को, पाइप वाले जो नट था इसको लूज कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो प्रेशर था बिल्कुल लीक हो चुका है। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि इसका डिस्क ब्रेक का जो प्रेशर होता है रियर डिस्क ब्रेक का, उसको आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, आपको जो इसकी डिस्क ब्रेक की ऑयल की डब्बी है इसको आपको खोल लेना है दोस्तों। इसको खोलने के बाद दोस्तों आपको करना है कि इसके अंदर जो इसका ऑयल है, ऑयल उसको आपको पुल कर देना है। तो दोस्तों आपको इसको तो फुल कर देना है, और उसके बाद आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, जो इसका नीचे डिस मेजर किट है, इस डिस मेजर किट को आपको ये जरूर चेक करना है कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो डिस मेजर किट है वो अंदर सिलेंडर के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा ब्रेक जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो इस गाड़ी के अंदर जो मेजर किट है प्रॉपरली काम कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आपको ब्रेक बनाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा जो आप घर पे बना सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है कि ऑयल डालने के बाद आपको इसका जो एयर का बोल्ट है इसको लूज कर देना है। 8 नंबर का इसका बोल्ट आता है दोस्तों, आप इसको की गोटी से या फिर 8 के रिंग पाने से भी लूज कर सकते हैं। इसको लूज करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि गाड़ी के दूसरी साइड जाना है, और इसके ऊपर आपको हल्का हल्का पंप करना है ब्रेक को। इसको पंप करने के बाद आपको इसको बिल्कुल छोड़ देना वैसे के वैसे, और आपको दूसरी साइड आना है बाइक के, और यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर बलून आ रहे या नहीं आ रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर धीरे धीरे बलून आ रहा है, जब इसके अंदर नया ऑयल आने लग जाए उसके बाद आपको इसको लॉक कर देना है। फिलहाल इसके अंदर बलून नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर से नया ऑयल है वो आने लग गया है, और यहाँ पर कोई बलून भी नहीं आ रहे। तो इसके बाद आपको इसको लॉक कर देना है एयर वाले बोल्ट को। इसको लॉक करने के बाद आपको दोस्तों इसका जो ब्रेक पैडल है उसको चेक करना है। तो दोस्तों ये हमारा ब्रेक पैडल प्रॉपरली काम करने लग गया है, मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा बाइक। तो दोस्तों बाइक स्टार्ट है बिल्कुल, आप देख सकते हैं बाइक बिल्कुल स्टार्ट है, और इसका व्हील है वो बिल्कुल घूम रहा है, और मैं आपको ब्रेक मार के दिखाऊंगा बाइक बंद हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो इसके ब्रेक है बिल्कुल काम करने लग गए। इस तरीके से आप अपनी बाइक का डिस्क ब्रेक का प्रेशर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।